नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्टॉक मार्केट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से टॉपिक पे, पर कुछ लोगों को इस चीज़ का सही से अंदाज़ा नहीं है, सही से पता नहीं है कि ये बेसिक सी चीज़ क्या है और ये काम कैसे करती है, और उस वजह से बहुत बड़े वहम में रहते हैं। तो मैं आज वो चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब वो है क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, मैं आपको शुरू से खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो आप ओपन कर पाए। tradingview.com आप टाइप करेंगे, ठीक है, चार्ट सेक्शन में जाएंगे आप। देखिए अब जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ क्या है, देखिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ। ये रेड और ग्रीन कैंडल का है। अब कई लोगों को तो पता है कि रेड और ग्रीन कैंडल का लॉजिक क्या है, पर कई लोगों को नहीं पता। और वो जैसे ही ट्रेडिंग के टाइम पे रेड कैंडल देख लेते हैं ना, वो घबरा जाते हैं, उनका टेम्परामेंट हिल जाता है पूरा कि रेड कैंडल हो गई, अब शेयर प्राइस गिर रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। या ट्रेडिंग के टाइम भी अगर उन्हें रेड कैंडल चलती हुई दिख गई तो वो घबरा जाते हैं। मैं 15 मिनट का चार्ट बना देता हूँ, लगा लेता हूँ, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई किसी ने डीएलएफ के शेयर्स बाय कर रखे हैं, मैं आवरली लगाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील होगा। अब ये देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पलीफाई करता हूँ कि कैसे भी काम करता है रेड और ग्रीन का। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, ठीक है, 10-15 पे, और क्लोजिंग 330 है इसका, 330 के प्राइस पे ट्रेड लिया, ले लिया भाई, खुश है, नेक्स्ट कैंडल भी है आवरली का, अपना चलता रहा, ग्रीन क्लोज हुई है, खुश है। अब ये कैंडल ना रेड क्लोज हो गई, रेड हो गई कैंडल, ये वो घबरा जाएगा, अरे कैंडल रेड हो गई, अब प्राइस गिरेगा। तो क्या करता है यहाँ पे, वो पैनिक में आके बेच देता है। कायदे से वो यहाँ तक बेनिफिट ले सकता था, यहाँ से एक्चुअली डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, यहाँ तक बेनिफिट ले सकता था वो, और थोड़ा और सब्र करता तो यहाँ तक बेनिफिट ले सकता था वो, पर क्या हुआ, उसने यहाँ लिया और यहाँ बेच दिया, यानी 15 मिनट के अंदर यहाँ पे लिया, ये कैंडल क्लोज होने पे, इस कैंडल पे मान लेते हैं लिया क्लोज होने पे, और इस कैंडल पे उसने एंट्री ली, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल पे उसने एंट्री ली, मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री ली, चलो यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, आधा घंटा सर्वाइव किया, आधे घंटे उसने बेच दिया, क्या फायदा हुआ उसको, 2-3 रुपये से क्या फायदा कमा लेगा वो, है ना। तो ये रेड और ग्रीन का लॉजिक नहीं समझ आता। मैं इसका लॉजिक आपको बता दूं कि रेड और ग्रीन का लॉजिक क्या है। देखो यहां पे फोकस करना, मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, ये लाइन मैं थोड़ी सी मोटी कर देता हूं ताकि आपको पता चले। देखो यहां पे फोकस करना, ओ ये ओपनिंग है, ओ फॉर ओपनिंग, एच फॉर हाई, एल फॉर लो, सी फॉर क्लोजिंग, ठीक है, कैंडल की ओपनिंग, कैंडल का हाई, कैंडल का लो और कैंडल की क्लोजिंग, तो ये चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखते रहना, ठीक है। मैं कैंडल पे क्लिक करूँ, कैंडल पे मैं माउस रखूंगा और आपको बोलूंगा यहाँ देखने के, तो आप यहाँ देखना, ठीक है। देखो ये कैंडल, देखो ये जो मोटी कैंडल है, इसकी ओपनिंग क्या है, 331 रुपये, ठीक है, और हाई भी इसका 331 रुपये ओपनिंग, 331 रुपये 25 पैसे ओपनिंग है, हाई भी 331 रुपये 25 पैसे है, लो क्या बनाया इसने, 325 रुपये, यानी कि ये इसका लो है, देखिए साइड में प्राइस भी दिख रहा है, 325 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग क्या है, 327 रुपये 5 पैसे, तो ये रेड हो गई। अब कहोगे तो इसमें क्या नई बात है, ये रेड क्यों हो गई, वो रेड इसलिए हो गई क्योंकि ओपनिंग देखो आप, ओपनिंग क्या है, कैंडल ओपन कहाँ हुई थी, यहाँ पे 331 रुपये 25 पैसे पे, और क्लोज कितने पे हुई है, 327 रुपये 5 पैसे पे, यानी कि 4 रुपये नीचे क्लोज हुई है, इसलिए ये रेड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको सेल कर दोगे, प्राइस डाउन, यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए ग्रीन वाली, ग्रीन वाली की ओपनिंग क्या है, 327 रुपये, ठीक है, हाई 330 रुपये है, ये देखिए हाई 330 बनाया इसने, और लो क्या है, 325 बनाया इसने, लेकिन क्लोज हुआ है 330 रुपये 10 पैसे पे, ओपनिंग क्या था, 327 रुपये, क्लोजिंग क्या है, 330 रुपये 10 पैसे, यानी 327 ओपन हुआ, 330 पे क्लोज हुआ, तो इसकी जो क्लोजिंग है ना ओपनिंग से ज्यादा है, इसीलिए ये ग्रीन है, और इसकी जो क्लोजिंग थी, देखो इसकी क्लोजिंग थी ओपनिंग से कम, इसलिए रेड है। तो अब ये दोनों बस ओपनिंग और क्लोजिंग
कि यहाँ पे रेड और ग्रीन हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक में आके आप अपना जो ट्रेड है वो सेल कर देंगे, या फिर आप ये जज कर लेंगे कि प्राइस गिरने लग रहा है, अब यहाँ से गिरेगा, डाउन होगा। अब देखो, आप ये रेड ग्रीन के यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये सारे कैंडल एक ही कलर के हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी रेड देख के डर जाती है। वो हमारी बचपन से हमारा माइंडसेट ऐसा ही डेवलप है। कोई भी बंदा जब आता है शेयर मार्केट में, मतलब पहली बार जब वो एंटर करता है शेयर मार्केट में, तो रेड ग्रीन के लॉजिक में फंस जाता है। तो कईयों का वहम तो शुरू में दूर हो जाता है, लेकिन कईयों का वहम रह जाता है लंबे टाइम तक, तो वो इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाता है, तो वो रेड को हमेशा देख के डर जाता है। तो आपको डरना नहीं है, रेड जस्ट ये सिंपल सा एक वो लॉजिक है कि भाई ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है इसलिए रेड है। आप कहोगे यार कि ये रेड है, वाकई में नीचे क्लोज हुई, हो सकता प्राइस गिर जाए। नहीं, देखो अगली ऊपर भी तो गई है, ये देखो ऊपर भी तो गई है। मैं इन सबको ही ग्रीन कर देता हूँ, फिर आप जज करना कि भाई, ये देखो मैं सबको ही ग्रीन कर देता हूँ अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो। लो अब जज करो आप कि कौन सी रेड है कौन सी ग्रीन है। अब आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अगर मैं ऐसा चार्ट आपको बना के दे दूँ, अगर ऐसा मैं ऐसी सेटिंग करके दे दूँ, अब कहूँ कि चलो अब इसके भी यहाँ पर ट्रेड करो, तो आपको तो पता ही नहीं रहेगा कि भाई इसमें रेड कौन सी है ग्रीन कौन सी है। आप तो जनरल एक जेनरली ट्रेड करोगे, भाई प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे कहाँ एंटर करना है कहाँ सेल करना है, तब आप जेनुअन ट्रेड करोगे एक्चुअल में। अगर आपको बताऊं, अगर मैं ऐसे करके दे दूं तो आपको, लेकिन वो रेड रेड देख के आप पैनिक में आ जाते हो। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया, रेड कब होता है जब ओपनिंग से नीचे क्लोज होती है। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसकी ओपनिंग 331 रुपये है और क्लोजिंग 327 रुपये, यानी ओपनिंग ज्यादा थी क्लोजिंग कम थी, तो ये रेड होगी। अगर इस कैंडल को देख लेते हैं, इस कैंडल को ओपनिंग इसकी 327 थी, क्लोजिंग 330 थी, अगर ये ज्यादा थी तो ये ग्रीन होगी। मैं दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ, लो ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है रेड और ग्रीन का, इसमें आपको पैनिक में नहीं आना। कई जो ट्रेडर होते हैं, स्पेशली जो इंट्राडे के ट्रेडर होते हैं ना, या जो 10-10 5-5 मिनट का ट्रेड करते हैं, ये घबरा जाते हैं, ये रेड देखते ही मतलब सेल कर देते हैं अपने इस चीज को। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, मैंने कहा कवर कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये रेड ग्रीन का लॉजिक नहीं पता और बहुत लोग इस वहम में रह जाते हैं कि रेड का मतलब गिरना स्टार्ट हो गया। अब तो ये आप ना समझिए, छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं शेयर मार्केट पे लर्निंग पे मैं और भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं साथ के साथ मैंने मूविंग एवरेज पे वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देखिए। मूविंग एवरेज बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इन डेप्थ 3 वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आगे भी लर्निंग की वीडियो डालता रहूँगा, टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।